सो फाइनली मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड मैंने डिसाइड किया है कि ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँ क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। ओके सो हे गाइस, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के मैं रेडी हो गई हूँ फॉर ब्लॉगिंग और आज मैं ब्लॉग यहाँ से इस कोने से स्टार्ट किया था मैंने जहाँ से बिल्कुल लाइटिंग नहीं आती यहाँ रख के। ओके सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ब्लॉग बन रहा है और क्या बन रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हाँ जी सो मैं बार बार ब्रेक ले रही थी, मैं बता रही हूँ आपको। मैंने आपको दो तीन ब्लॉग पहले जैसे कि बताया था कि दिवाकर ने मुझे एक स्कूटी दिलवाई है और वो स्कूटी मैं चला रही हूँ। डुकू को स्पेशली स्कूल छोड़ना, लेके आना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उन चीज़ों के लिए बहुत ही एक अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई थी ये स्कूटी की वजह से। बट अभी वो स्कूटी जो अभी दिवाकर ने मुझे दिलवाई थी वो था पुराना नंबर, पुरानी स्कूटी, और वो है यूके का नंबर, मतलब कि उत्तराखंड का। अब उस स्कूटी को हम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपने नाम पे, तो वो उसका बहुत लेंथी प्रोसेस है एक तो, और दूसरा बहुत प्रॉब्लम आ रही है करवाने में। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक न्यू स्कूटी दिलवाना चाह रहे हैं दिवाकर मुझे, लेकिन जिसका ना ही पेमेंट दिवाकर कर रहे हैं ना दिवाकर के नाम पे होगी, जिसका पेमेंट भी मुझे ही करना है और मेरे ही नाम पे स्कूटी होगी, लेकिन कहने और सुनने के लिए वो दिवाकर जी दिलवा रहे हैं मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार का दोगलापन है कि और जिसमें ये आदमी शामिल है। मैंने इसको बोला कि दिवाकर आपने मतलब इनको बोला, इसको नहीं इनको बोला कि दिवाकर क्या नाम है, इस बार आपने कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया वैलेंटाइन डे का और एनिवर्सरी का कुछ भी, तो स्कूटी कर दो मुझे गिफ्ट। तो कहते हैं, अमन कहता है कौन सा वैलेंटाइन डे, शादी होने के बाद कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता है, सब हो गया है। तो कह रहे जब तुम्हारा भाई नहीं चाहता है तो मैं कैसे दूँ तुम्हें, तो देने वाला था, भाई नहीं चाहता है तो कैसे दूँ, ये कार दिला दो। कह रहा जीजा कार दिला दो। ये पॉलिटिक्स दोनों मिलके मेरे साथ खेल रहे हैं, बट मैंने डिसाइड कर लिया मुझे न्यू स्कूटी चाहिए, चाहे वो फिर मुझे खुद खरीदनी पड़े तो मैं खुद अपने पैसे से न्यू स्कूटी लेने वाली हूँ। तो अभी हम लोग बहुत सारे शोरूम्स में विजिट करेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी की स्कूटी सबसे अच्छी होगी, हीरो या फिर होंडा या फिर TVS और या फिर तीन ही है नहीं और भी है, एक चौथा इलेक्ट्रिक है, नहीं एक्सेस भी तो करके कोई एक जा रही थी, सुजुकी। सो इनमें से कौन सी ब्रांड की स्कूटी हम लेंगे आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अमन हमें एक फर्स्ट क्लास की चाय बना के पिलाएगा। अमन बेटा उठ, कह रहा पहले खाना खिलाओ मुझे। चाय पिलाया अमन, चल मैं चावल भून लूँ और उसके बाद हम चलेंगे स्कूटी लेने दिवाकर जी की स्कूटी लेने। चलो चाय बनाओ। और अमन यहाँ पे इलायची कूटते हुए बहुत प्यार से, और बस इतना ही कूटना होता है इसको, एकदम वो कुछ नहीं बनाना होता है। उनके बहन जो है यहाँ प्याज छीलते हुए, बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो ये बात कहो स्कूटी मुझे दोगी या नहीं? छूने भी नहीं दूंगी। चलाना तो बहुत दूर की बात, छूने भी नहीं दूंगी, ऐसे 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 टच भी नहीं करने दूंगी। जो मेरी बाइक पे मजे लिए हो तुम, जो बीवी के मजे लिए हैं आपने, सब अदला बदली है। जिसका पैसा उसका हक, मेरा पैसा तो मेरा हक। पति देखो कितना दयालु होता है। अरे चलो, और राज जो है वो बीबी भोगती है। ओह, तो मैं स्कूटी पे ऐसे बोल रही हूँ। अरे भैया गला मत, सामाजिक तौर पे रहते हैं हम लोग, उसी में तुझे छींक मार दी, इसी कांधे को काट के मैं तुझे चावल खिलाऊंगी। और क्या डाल रहा है? वो भी बुड्ढो की तरह छींक मार रहा है इसको, थोड़े तो तू ही खाएगा रेड वाला, इसमें तो तूने पिचकारी से हो गया है। बड़े भी इसका 50-55 है तो मैं ही ले जाऊंगा ना बाइक। 50-55 तो सही है। 50-55 है, अब मैं छूना नहीं है दिवाकर, छूना नहीं है। तुम सुबह शाम को तुम सब्जी लाने जाना बस। अरे जाओ। अच्छा कब
कब ज्यादा तुम कॉन्फिडेंस फील करती हो? जब मैं पीछे बैठा होता हूँ तब, या जब मैं चलाती हूँ अकेले तब भी, और जब मैं दो लोगों को बिठा के चलाती हूँ तब भी। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। और अगर मैं बैठा होता हूँ तो मैं इतना ज्यादा डिस्ट्रेस्ड फील करती हूँ जब दिवाकर मेरी स्कूटी पे बैठते हैं। आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने दिवाकर से कभी मतलब दिवाकर को बिठा के चलाना नहीं है, बिकॉज की इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इतना तुम देख लेना शालू आराम से चलाना, अगर कहीं ठुक गई ना लेने के देने पड़ जाएंगे शालू, और इतना खर्चा हो जाएगा स्कूटी, तो स्कूटी टूटेगी तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी, तो बेकार में खाने पीने की मतलब ये सारी बातें ये रियली स्कूटी पे बैठ के करते हैं। और अगर मैं इनको स्कूटी रोक के चुप कराती हूँ ना कि दिवाकर प्लीज चुप रहो अब मत बोलो, तो उसके बाद क्या करते हैं, मेरी बात सुनिए आप लोग, उसके बाद ये क्या करते हैं, मेरे मैं बाल खोल के चुप के रखती हूँ, हेलमेट लगा के रखती हूँ, तो मेरे बाल पीछे से जो व्हाइट वाले बाल है वो छाट के बाल तोड़ते हैं। सीरियसली कोई स्कूटी बैठ के ये करता है? अगर ये मेरे पीछे बैठते हैं तो मेरे व्हाइट वाले बाल छाट के तोड़ेंगे, फिर कहेंगे शालू तुम्हारे 20-25 बाल, तो देखो मेरे हाथ में सफेद आ गए। अरे मैं क्या करूँ, बीवी के बाल सफेद नहीं होंगे तो क्या सफेद होगा? मतलब मैं कोई अमर जवानी का सीरम थोड़ा पी के आई हुई भगवान के पास से, मैं भी बुढ़िया होंगी, मेरे भी बाल सफेद होंगे। हो गई हो। और फिर आपको मानना चाहिए, अगर मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ, बुढ़िया में इस तरीके से अपने आपको इतना स्टाइलिश रखती हूँ ना, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए मुझे और भगवान का की, और मेरे मम्मी पापा को, उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में कि वो इतनी स्टाइलिश है बुढ़िया होने के बाद। तो कल मेरे लड़के स्कूटी नहीं दोगी? मैं स्कूटी छूने नहीं दूंगी। आज से बाइक पे बैठ मत जाना, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल्फिश होते हैं। अरे सर्विस कॉलर अहीर क्या करेगा, ये सफाई तो साफ करता नहीं है, बस लेके नचाता रहता है। ये मेरी स्कूटी साफ करेगा? साफ करोगे? साफ ही तो आई वहाँ से, उसे क्या साफ करना, डेढ़ महीने बाद तो उसकी भी सर्विसिंग होगी। सर्विसिंग वाले तो वो भी पुराना हो जाएगा सालों। नहीं होगा उसे, उस पे मैं अपनी स्कूटी को नया बना के रखूंगी, संडे संडे उसको धोऊंगी, उसके बीच में हर दिन ये कपड़ा मारेगा अमन, और हर डेढ़ महीने में उसकी सर्विसिंग होगी। और रिव्यू क्या दिया लोगों ने तुम्हारी पुरानी अभी जो स्कूटी है उसका क्या बोला लोग? यार पता है क्या, मैं बहुत सेटिस्फाई थी अपनी स्कूटी से, वो पुरानी थी क्या, टूटी फूटी है तो क्या हुआ, मैं बहुत सेटिस्फाई थी। लेकिन ना मेरा बेटा ही कह रहा है कि मम्मी आपकी क्या खटारा है, स्कूटी कहाँ खड़ी है? मीन्स लाइक, और वचन उस दिन कहता है कि ये कूड़ा अपना साइड में खड़ा कर ले। मेरी नजरें रुक गई लोगों के सामने। प्रणय कह रहा है, मैंने कहा मेरी स्कूटी में सामानों का निकाल के लिया, कह रहा मैंने गया निकालने, मैंने कहा साइड वाली है, कह रहा हाँ वो कचरा जैसी वही खड़ी है ना। लोग कूड़ा कचरा खटारा, हाँ। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया। मैं मार्केट में लेके निकलती हूँ, लड़की इतनी डिंट पिंट एकदम टिंट पिंट लिपस्टिक लगा के घूम रही है स्कूटी पे, और स्कूटी की हालत ऐसी है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने नई स्कूटी लेनी है। बहुत बदतमीजी हो गई मेरे साथ, बेइज्जती है, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी रियली। सारा जो गुस्सा है वो प्याज पे निकालते हुए, और यहाँ पे चाय जो है वो बाल मारते हुए। इसमें भैया डाल दो वो चीनी कह रही हूँ, इसमें डाल दो दूध। किस चीज का इंतजार हो रहा है, चाय बना रहे हैं या फैशन कर रहे हैं? फैशन कर रहा है, ये मजे मारता है, स्टाइल देखो बैठने का। थूक मत दियो। रोटी तुम किस पे बैठोगी? स्कूटी पे। स्कूटी की टिक्की के अंदर डालती है वो छोटी सी जान, स्कूटी की डिक्की के अंदर स्पेस होता है, सांस नहीं आएगी बेचारी को, और गर्म हो जाती है स्कूटी चलते चलते। आगे जो आगे स्पेस होता है ना स्कूटी में, वहां बिठा के स्कूटी पे फ्रूटी को चलाएंगे। सालों ने एक दो रील भी डाला है स्कूटी चलाते हुए, इंस्टाग्राम पे जाओ और सर्च करो, देखो कैसे स्कूटी चलाती हैं। जब चलाती हैं तो पहिया जो है नाचता है। कौन सी स्कूटी चलती है तो उसका पहिया नहीं नाचता है? जब मैं पीछे बैठ जाता हूँ ना तो इतना झगड़ा होता है ना, पूछो मत, क्योंकि ये इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे सफेद बाल निकाल के तोड़ते हैं पीछे बैठ के स्कूटी पे, और मेरे जितनी बार टूटता है बाल उतनी बार एक बाल तो टूटता नहीं, एक साथ दो तीन बाल टूट जाते हैं, वो दर्द होता है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सफेद बाल था। अरे यार मेरा वैसे इंसान का एक्सीडेंट हो जाना है। मेरा हेलमेट भी चुरा लिया। मेरा हेलमेट है वो। ड्राइविंग टेस्ट दिया था मैं। और क्या,
अच्छा तुमने ड्राइविंग टेस्ट दिया था? लाइसेंस भी आ गया तुझे? हाँ लाइसेंस, तुझसे सीनियर है सालू। पैदा तो मुझसे जूनियर ही हुआ था। मेरी मम्मी पापा की प्लानिंग में तो मैं ही ऊपर हूँ। उसके सीनियर होने से क्या होता है। चल बे हट। बे भैया स्कूटी लेने वाली है, पावर पावर में है। इज्जत करो, इज्जत मेरी इज्जत, इज्जत गिव मी सम रिस्पेक्ट। कहाँ खड़ी है कटारा? कहाँ खड़ी है कटारा? बाहर खड़ी है कटारा, दो दिन में हटा के नई लेके आऊंगी मैं। चलो बुलेट ले लो यार, सबसे अच्छा रहता है। उसे स्प्लेंडर नहीं आते, बुलेट चला। बुलेट फट 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 बोलती है ना, उतनी तेज आप बोलते हो तो मुझे बुलेट में और आप में कोई ज्यादा फर्क लगता नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड। दो बुलेट मेरे घर में हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चलो ठीक है भैया, बुलेट पे चाय पे फोकस करते हैं। ये रही सालों की स्कूटी, पुरानी वाली। ये स्कूटी मेरी पुरानी वाली है, डॉक्यूमेंट ले लिए मैंने नई स्कूटी लेने के लिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और अब हम चलते हैं अपनी नई स्कूटी की खोज, और हम दिवाकर जी को बिठा के लेके जाएंगे अपनी स्कूटी पर। कैसी रही? बढ़िया। बैठो। चलो मैं बैठ चुका हूँ और चलें। हाँ चलो है सवारी। नेवी ब्लू और रॉयल ब्लू और ब्लैक ग्रे, सो विच कलर सूट्स मी लॉट। लेनी मैंने इसी में से है, मुझे होंडा की ही लेनी है, सो दैट कि अगर मुझे सजेशंस अच्छे मिलेंगे तो मेरे लिए फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा कि मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है कलर्स में। सो कलर्स मैंने सारे दिखा दिए आपको, सो जो कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा हो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट इन बिलो एंड मुझे हेल्प करो। सो फाइनली गाइस स्कूटी की बुकिंग कराने आ गई हूँ मैं, और ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही एक शोरूम है संगम होंडा का, तो वहीं पे आए हैं हम लोग बुकिंग के लिए। और धनतेरस को मैं रिसीव कर लूँगी गाड़ी। और मैंने अभी तक चूज़ जो किया है वो किया है ब्लू कलर, अभी तक दिमाग में ब्लू चल रहा है, आगे देखते हैं। एक्चुअली मैं एक कोई तैयार स्कूटी देखना चाह रही थी फॉर एन आइडिया कि हाँ स्कूटी तैयार होने के बाद मेरी कैसी लगेगी। तो इनके जो सर्विस वो नहीं होता है गोडाउन जहाँ गाड़ियाँ तैयार होती हैं, वहाँ जा रहे हैं मैं और अमन, और दिवाकर आज ऑफिस गए हुए हैं। चलो ले चलती हूँ आप लोगों को मैं, फिर और बातें वहाँ करेंगे। ये जो हम पसंद कर रहे हैं शायद। ओके ये प्रीमियम वाली है, तीन कलर, वाइट कलर कैसा रहेगा अगर मैं वाइट देखूं एक बार को? तो वाइट भी बेस्ट है। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग ब्लू लेंगे, और ब्लू ये वाला ब्लू गंदा हो रखा है अभी तो, बट अभी साफ हो जाएगा तो नीचे दिखाती हूँ मैं आपको ये ब्लू कैसा लग रहा है एग्जैक्टली। सो
वाइट लुक गुड। और देखते हैं अमन तुझे कैसा लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है। दीदी गाड़ी ले रही है। अमन को भी स्कूटी मिल गई, आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं बता रही हूँ, अमन को भी स्कूटी मिल गई है। जो मेरी पुरानी वाली स्कूटी है वो अमन लेगा और मैं नई स्कूटी ले रही हूँ। अमन ये गाड़ी कोई मुझे दिला रहा है? नहीं, नहीं देख लो सेल्फ बाय गाड़ी है, सेल्फ ओह सेल्फ अर्न। ओके गिर ना जाऊँ मैं, इसको सुधार रही हूँ। तो ये मेरी सेल्फ अर्न गाड़ी है, हैप्पी। तो ऐसी दिखेगी वो ब्लू जो ऊपर मैं आपको दिखाना चाह रही थी, बट उस पर धूल मिट्टी ज़्यादा थी, तो ये ब्लू है जो मैंने पसंद किया है। और बाकी इसमें 6 कलर हैं, ग्रे, वाइट, ब्लू, ये थोड़ा सा डस्टी ब्राउन, मरून एंड ब्लैक। तुझे कौन सी पसंद है अमन? सारी पसंद है, सारी ले चलें, शोरूम खरीद लेगा। अच्छा ठीक है। सो फाइनली गाड़ी हमारी हो गई है और हाँ अब इस पर एक्सेसरीज लगानी बाकी हैं, तो वो एक्सेसरीज वगैरह फिट करके ये धनतेरस पे देंगे। और ये गाड़ी बुक हो गई है मेरे नाम पे, देखो सोनिया तिवारी बुकेड। सो ये मिलेगी धनतेरस को, किसी भी टाइम मिल जाएगी बेटा? कब मिलेगी? नंबर नहीं है ना, नंबर कहाँ है, नंबर नहीं दिया है ना? वो तो दी थी ना आपको। हाँ स्लिप पे नंबर है। हाँ ठीक है, नीलगिरी से तैयार कर देना, धनतेरस के पहले तैयार कर देना, ठीक है? चलो।